नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। ये कल का दिन है। कल क्या दिन था? मंगलवार। और परसों शाम हम लोग मायके से वापस आ गए थे। संडे में गई थी मैं और मंडे को वापस आ गई थी शाम के टाइम। और ये है ट्यूसडे की मॉर्निंग। और सुबह उठते ही मेरा काम था मशीन लगाना, क्योंकि कपड़े 2-3 दिन के हो रहे थे, बहुत सारे हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो मशीन लगा लेते हैं। जाना तो मुझे उधर भी था, क्योंकि मेरा खुद का घर 1 महीने से बंद पड़ा बिल्कुल। और बस पीयू के डैडी एक आधी बार गए होंगे, वहाँ गए होंगे कुछ सामान वगैरह लेने के लिए। बाकी कुछ नहीं, सामान जो फ्रिज में रखा आटा वगैरह सारा कुछ ऐसे ही पड़ा। तो मुझे ये था, मैंने कहा चलो जी हो ही रहा है जो हो रहा है, तो इधर मैंने कहा चलो थोड़ी सी हेल्प करवा देती हूँ मैं। इधर ज़्यादा तो अपने से कुछ होता नहीं है कि ज़्यादा कुछ मैं कर लूँ, पर यह है कि हाँ थोड़ा बहुत तो कर ही लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो कपड़े वगैरह धो लेती हूँ, ये मशीन लगा लेती हूँ। तो कपड़े, और पीयू के डैडी पहले मुझे बोल रहे थे कि चलो उधर, फिर ये हुआ कि चल मैं थोड़ा सा काम दुकान पे कर लूँ, तब तक तू यहाँ पे कुछ हेल्प करवा दे। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं करवा देती हूँ। तो उसके बाद ये चले गए थे बुटीक पे और मैं लग गई थी काम पे। तो पहले तो मुझे ये था, मैंने कहा मैं थोड़े थोड़े कपड़े धो के साथ निचोड़ दूंगी, इसमें से ड्रायर में को निकाल निकाल के फिर निचोड़ दूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा सर्फ है वो निकल जाए। तो यहाँ पे पहले मैं बाथरूम में ही निचोड़ने लगी थी, लेकिन एक ही राउंड के कपड़े मैंने बाथरूम में निचोड़े। उसके बाद फिर ये नहाने धोने का काम शुरू हुआ कि भाई नहाना है सबको। तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो पहले मैं कपड़े सारे धो ही लेती हूँ, उनको ड्रायर में को निकाल के फिर बाद में मशीन में ही निचोड़ दूंगी। अब वेट तो देखिए हो नहीं सकता था कि भाई मैं बैठी रहूँ कि सब नहाएंगे उसके बाद मैं कपड़े निचोड़ूंगी, क्योंकि मुझे भी जाके अपने काम देखने थे, तो वो भी था। तो यहाँ पे बस ये देखिए, मैं पहले जो राउंड के कपड़े हैं वो मैं निकाल निकाल के उसी पे ही रख रही थी, और बाकी जो धुल रहे थे उनको ड्रायर में को निकाल रही थी ताकि सर्फ निकल जाए, और बाकी कपड़े मशीन में डाल रही थी। तौलिये भी थे, कंबल कुंबल भी थे, और कपड़े भी थे पहनने के सारे ही। तो देखिए बस जी, यहाँ पे मैं आ गई थी फिर किचन में, सॉरी कमरे में, क्योंकि अभी कपड़े धुलने में थोड़ा सा टाइम था। तो मैंने सोचा चलिए जो मेरे कपड़े हैं या बच्चों के जो कपड़े, जो मेरा उधर का सामान लेके जाने का है, वो मैं रख लेती हूँ। और सच में बताऊँ, मुझे ना अपनी जीवन से कई बार इतनी नफरत हो जा कि सामान इस तरीके से उठा के घूमना पड़े जैसे कि अपना प्रॉपर ठिकाना ही ना हो। और जब उधर से आएंगे, क्योंकि मैं तो थी नहीं यहाँ पे, जब बच्चे आए इधर, मम्मी ने इधर ही बुला लिया था सबको कि यहीं आ जाओ यहीं आ जाओ। मम्मी हमारी इस मामले में बहुत ज़बरदस्ती करती हैं कि भाई इधर ही आके रहो इधर ही आके रहो। तो फिर ये रह लिए थे वहाँ पे। फिर कपड़े भी, बच्चों बच्चे स्कूल में गए, उनके कपड़े वगैरह सारा कुछ ही था, तो सारा ही सामान लेके जाना आना पड़ता है फिर। तो कई बार सच में बहुत तो बुरा लगता है, अपने आप को ही बहुत इंसल्ट सी फील होती है अपने आप में कि पता नहीं, मतलब जैसे वो होते कहते हैं ना कि हमारे इधर बंजारे आते हैं कि उनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं होता। तो बस वो चीज़ दिमाग में आई रहती है, रहना भी कई बार पड़ता है मजबूरी भी मान लीजिए या जैसे भी। तो खैर ये कपड़े थे जो फिर कपड़े रह गए थे तय करे बिना। मैंने कहा ला चल बैठ, इतना खाली क्या रहना, इतना जो कपड़े बच रहे हैं तय करे बिना के वो कपड़े ही तय करके रख दूँ मैं। और बाकी जो अपना सामान है वो भी पीछे आप देख रहे होंगे, बैग वगैरह बांध लिए, बच्चों के बैग्स थे स्कूल के, अपने कपड़े थे पहनने ओढ़ने के, वो सारे रख के एक साइड करके फिर मैं आ गई हूँ यहाँ मशीन पे। और देखिए कपड़े, जो कुर्सी भरी पड़ी है, इन सारों को मुझे निचोड़ना है। और अभी भी बाथरूम में कोई नहा रहा था, तो मैंने कहा चलो भाई मैं तो निचोड़ना शुरू करती हूँ मशीन में, मैं कब तक वेट करती रहूँगी। हाँ ये है कि भाई यही यही काम है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से वेट कर लो। लेकिन मुझे उधर भी जाना था तो वहाँ का भी देखना था, तो मैंने कहा मैं तो मशीन में ही निचोड़ रही हूँ। तो यहाँ पे मैं निचोड़ने लगी हूँ। जो छोटे कपड़े हैं वो मैं बाल्टी में रख रही हूँ, जो बड़े कपड़े हैं वो मैं अलग रख लेती हूँ। तो मशीन में कोई एक दो बार पानी निकाल निकाल के मैं ड्राई करने लगी थी कपड़े। तो देखिए जी बस यहाँ पे, और सही में बताऊँ ये है कि शरीर इतना मोटा हो रहा कि लगता नहीं देख के किसी को कि हाँ किसी को कोई दिक्कत है या परेशानी है या दुख है या तकलीफ है। शरीर को देख के ऐसा लगता है कि भाई इन्हें क्या दिक्कत है, ये तो ठीक ठाक है, सारा कुछ है, ऐसे है वैसे है। तो भाई बस अपनी दिक्कत तो अपने आप को ही पता है सबको, ये लगता है कि अपना दुख बड़ा है और जो भी है। तो खैर देखिए जी बस यहाँ पे फिर मैं आ गई थी, सारे कपड़े धो के निचोड़ के लेके आई थी मैं सारे ऊपर कपड़े फैलाने के लिए। और यहाँ पे वीडियो जो है वो रूही शूट कर रही है, क्योंकि मेरे पास स्टैंड नहीं था यहाँ पे, तो मैं रख के उसके कर नहीं सकती थी।
तो फिर रूही यहाँ पे वीडियो शूट करवा रही है। और फिर इसके बाद कपड़े धोने में भी काफ़ी टाइम लग गया था जब इतने सारे थे। फिर मैंने पीहू के डैडी को भी फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा कितना टाइम लगेगा, तो वो कहने लगे कि अभी तो मुझे दुकान पे टाइम लगेगा। फिर बल्कि मैं पैदल ही आने लग रही थी, उसके बाद जिज्जा जी कहने लगे कि ला मैं छोड़ आता हूँ। तो मैंने सुनीता को भी फिर फ़ोन किया था, मैंने कहा सुनीता आजा भाई हेल्प करवा दिए। और सही में अच्छी है वो बहुत बेचारी, कि मैंने उसे फ़ोन किया और वो तुरंत कह दिया उसने कि दीदी मैं आ जाऊंगी, क्योंकि उसे पता है कि मेरी क्या कंडीशन है और क्या सिचुएशन है मेरी। कुछ कपड़े वगैरह फैला दिए मैंने, तीनों तार भर गए, इधर वाले भी, और जो तौलिया कंबल वगैरह थे वो मैंने दीवार पर डाल दिए, और बाल्टी में अभी भी रह रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो बस फिर वो बाद में फैल देंगे। और अब देखो नीचे क्या करना, क्योंकि मुझे उधर भी जाना, कल को बच्चों का स्कूल है तो उधर भी जाके साफ़ सफाई करनी, क्योंकि 1 महीना हो गया बंद हो रहा है उधर भी। और पियो के डैडी बोल रहे थे उधर भी जाना मकान पे, आंटी भी नहीं आ रही आज। खैर देखूँ मैं जाके नीचे क्या हो सका, नहीं तो फिर उधर ही जाऊँगी, वहाँ पे भी तो जी करना देखिए साफ यहाँ पे सफाई काफ़ी सारी। देर वेट करने के बाद जब मैं चलने लगी, फिर जिज्जा जी मुझे छोड़ने आए। और देखिए पिछले 1 महीने से मेरा घर बंद है, कपड़े भी जैसे मैं डाल के गई थी ना इस पे, क्या ये स्टैंड पे, वो भी पिछले 1 महीने से मेरे कपड़े जूके तू पड़े हैं। घर खुला हुआ है, आ रहे जा रहे हैं, उसमें रह रहे हैं, कम से कम ये तो होता है कि काम टाइम पे हो जाता है, साफ सफाई भी हो जाती है, झाड़ू पोछा भी रोज हो जाता है, कपड़े भी धुल जाते हैं, सामान भी उठा के रख दिया जाता है। लेकिन बंद घर में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें अंदर कुछ भी हो रहा, कीड़े चल रहे, बदबू फैल रही है, कुछ भी हो रहा, उससे कोई वो नहीं होता। और घड़ी में आप देख रहे होंगे मुझे आते आते 11 बज गए थे, और ये देखिए मेरे घर की क्या हालत हो रही। चलो फिर भी ये है कि कोई बात नहीं जी भाई, घर बंद था 1 महीने तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि कहाँ क्या क्या करना है मुझे। ये जूते चप्पल से लेके आई थी मैं बच्चों के, और उसके बाद मैं देखने लगी हूँ रसोई में। और आप यकीन नहीं मानेंगे, रसोई में मतलब ज़्यादातर जो मेरा सामान था वो ख़राब हो गया था। बहुत सारे मसाले भी थे जो मैंने बाद में गेरे, बहुत सारी चीज़ें थी, मैदा वगैरह सारा कुछ। और ये देखिए चुलाई के लड्डू थे जो मैंने जन्माष्टमी पे बनाए थे, और ये रखे ही थे। इनका भी ये भी इन्हू कह रहे थे कि इंदु मुझे पता होता है तो मैं ले ही जाता उधर, बच्चे खा लेते, लेकिन इनमें भी पूरी फुई लग गई थी, बिल्कुल इस वो कहते हैं ना फंगस। और आटे में भी तितली ऐसी उड़ रही थी। मुझे तो ये था कि ये आटा जो रखा मेरा ये खराब हो गया होगा, तो मैं यहाँ इसको ना थोड़ा सा छान के यूँ देख रही, मैंने कहा इसमें कहीं कीड़े तो नहीं हो गए। पर खैर भगवान का शुक्र है, भगवान को तरस आया हो गया मेरे पे कि चल सारा क्यों खराब करना। तो इसमें कीड़े नहीं हुए थे, तो इसको मैंने फिर बाहर रखना था मुझे इसे, मैंने कहा चल थोड़ा सा धूप में रख दूंगी और बाद में इसको छान के मैं फिर दोबारा बाद में यूज करूंगी, लेकिन इसमें कीड़े नहीं हुए थे। तो यहाँ पे मैं इसको यही छान के देख रही हूँ, और पीयू भी। और जब मैंने गेट खोला ना यहाँ का, तो इतनी बदबू घर में से आ रही थी, और फ्रिज में से तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी, क्योंकि घर में वही है कि कुछ भी होता रहे, कहीं पे भी बारिश भी पीछे से आई है, और नया घर है, मैंने आपको दिखाया भी था कि इसकी छत में से भी पानी आता है कई बार, और कई चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए मैं आटा जो है वो चेक कर रही हूँ, मैंने कहा इसमें क्या है क्या नहीं, तो ये ठीक था। खैर तो इसको मैंने रख दिया। ये चिन्नी थी, चिन्नी में भी इसमें कीड़ियाँ भर गई थी पूरी, तो इसको भी मुझे देखना था। चावल भी खैर भगवान की दुआ से मेरे चावल भी ठीक रहे कि उनमें भी कीड़े नहीं हुए। बाकी जो ऊपर के जो डब्बे थे ना जो मसाले वाले हैं, उनमें से कई डब्बे थे जो जिनमें कई सामान खराब हो रहा था। अभी बाहर से तो पता नहीं लग रहा था, लेकिन जब बाद में मैंने इनको उठा उठा के देखा तो हो रहा था। और ये देखिए मेरे फ्रिज की हालत, मतलब इसमें जितना भी सामान रखा जो खैर पैकिंग के थे, ये देखिए ये मलाई रखी थी, मलाई की क्या हालत हो रही है, और बदबू बहुत हो रही थी। इसके अलावा ये फ्रूट भी रखे थे इसमें, मौसमी वगैरह, संतरे या ये अनानास वगैरह सब कुछ। तो ये हाल होता है बंद घरों का, और सच में कई बार ना मन परेशान हो जाता है, और मैं भगवान से दुआ करूंगी कि यह आखिरी बार हो कि मेरा घर इस तरीके से बंद हो, या मुझे इस तरीके से अपने घर को बंद रखना पड़े, और या मुझे इस तरीके से किसी के और के घर की सफाइयां करनी पड़े आके। तो अगली बार भगवान ने चाहा तो मैं सिर्फ अपने ही घर की जाके सफाई करूंगी, या अपने ही घर को अच्छी तरह रखूंगी। मतलब मन ना कई बार बहुत दुखता है, समझ में नहीं आता कि करे तो क्या करे। और ये देखिए मतलब बिल्कुल बदबू इतनी जबरदस्त हो रही थी ना,
कोई और होता घर में तो वो बाहर बैठता जाके 1-2 घंटे, लेकिन वही है कि हम कहाँ भागे जी, रहना तो है यहीं पे, साफ सफाई भी करनी है सारा कुछ। तो अभी तो मैं सबसे पहले चेक ही कर रही हूँ कि कहाँ क्या क्या खराब हो रहा है, क्या क्या नहीं, तो वो सारी चीजें। और देखिए समझ में नहीं आ रहा मेरी कि मैं करूँ तो करूँ कहाँ से शुरू, ये सारा सामान खराब है अभी जो बाहर निकाला है मैंने। बाकी तो ऊपर डब्बों में से तो वो मैं बाद में देखूंगी जब उनको साफ करूंगी। तो ये देखिए, तो इसको फ्रिज को मैंने थोड़ी देर खोल के छोड़ा, और सच में मैं ना इतना मन मेरा परेशान हुआ घर को देख के अपने कि क्या करूं क्या नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया। तो देखिए खैर जी, बस उसके बाद ये देखिए, और जगह जगह यहाँ चींटियों ने इस तरीके से घर बनाए हुए थे। तो यहाँ पे बस खैर मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि जब मैं यहाँ पे से गई थी तो उस टाइम आप सभी जानते हैं कि मैं ज़्यादातर अपना सामान वगैरह रख के जाती हूँ, तो कमरों में भी ये था कि बंद थे तो उसकी वजह से स्मेल तो आ ही रही थी इनमें से, लेकिन वैसे ठीक था कि इतनी धूल मिट्टी नहीं आई क्योंकि बंद था घर इधर से। तो ये भगवान का शुक्र है कि ये मेरे लिए प्लस पॉइंट रहा कि नहीं भाई इधर, ये पीछे वाली साइड है। हाँ दूसरे रूम में कपड़े जो धुले हुए पड़े थे वो बेड पे ऐसे ही पड़े थे, और मतलब उस वाले रूम की थोड़ी सी हालत ज़्यादा ख़राब थी। और बाकी जो कपड़े मेरे बाहर स्टैंड पे थे ना, उनके तो कलर भी उड़ गए। अब आप खुद ही सोच के देखिए कि 1 महीने से वो कपड़े बाहर ही थे, और प्यू के डैडी का भी शायद टाइम नहीं लगा होगा, नहीं तो वो कर लेते हैं इतना तो, या तो उन्हें ध्यान नहीं रहा, या वो जल्दी में आए होंगे, या उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा, क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ें हुई होंगी। और ये देखिए इस वाले रूम का भी हाल। तो खैर करिए, चलिए जी कोई बात नहीं, काम है अपना करना ही है। थोड़ा सा मन स्टार्टिंग में परेशान जरूर होता है, पर जब दिमाग इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि नहीं करना तो है ही। देखिए तो यहाँ पे बस मैं अपने काम पे लगी थी, सुनीता को मैंने फ़ोन कर दिया था सुबह के टाइम ही, तो वो बोल रही थी कि दीदी मैं 11:30 बजे तक आ जाऊँगी। मैंने कहा चल आ जाइयो भाई, तू करवा दियो थोड़ी सी हेल्प। तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो मेरे गद्दे हैं इनको मैं छत पे रख के आऊँगी, क्योंकि धूप अच्छी निकली हुई थी, तो मैंने कहा चलो इतना मैं साफ़ सफाई वगैरह करूँगी तो इतना जो गद्दे हैं उनको थोड़ी सी धूप लग जाएगी तो वो सूख जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं देख रही हूँ, उठा उठा करके ही देख रही, मैंने कहा इनको सामान को रखूँ, ये सारे कपड़े भी मुझे तय करके रखने, जो प्रेस करने के वो प्रेस करने, लेकिन वो काम बाद का है, स्टार्टिंग का काम ये है। और जो सोफे हैं उनको भी देखूंगी हटा के, बाथरूम वगैरह सब कुछ बहुत गंदे हो रखे थे। तो ये था कि करना तो है ही काम, मैंने कहा चलो धीरे धीरे कर लूंगी। और ये जो आप काम की स्पीड मेरी देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल नॉर्मल स्पीड में, अब मैं जिस स्पीड में काम करती हूँ ना, ये वो स्पीड है। तो इतना धीरे धीरे अब मैं काम करती हूँ, वो तो ये है कि वीडियो में मैं एडिट कर देती हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, लेकिन नॉर्मली ये स्पीड मेरे काम करने की अब हो रही है। क्योंकि मन परेशान रहता है, पर मैं वही जैसा हमेशा कहती हूँ कि दुख दर्द अपनी जगह है, और अपने काम धंधे, अपने रीति रिवाज, अपने रोज की मर्रा के जो काम है वो अलग है। तो खैर देखिए यहाँ पे बेडशीट मैंने उतार दी है, इनको धुलाएगी, और ये गद्दे इनको मैं यहीं पे ही बाहर की साइड ही डाल दूंगी, क्योंकि बाहर भी धूप इस टाइम पे अच्छी आ जाती है। तो मेरा ये था, मैंने कहा इनको मैं बाहर की साइड ही डाल दूंगी, जो चौक है ना बाहर, बड़ा गेट है हमारा वहाँ पे। और जो दूसरे वाले बेड के गद्दे हैं उनको मैं छत पे डाल के आऊंगी, क्योंकि इस वाले रूम में तो हम ज़्यादा यूज नहीं करते, ना ज़्यादा उठते बैठते, तो इनको इतना नहीं था, लेकिन दूसरे रूम में हम लोग उठते बैठते हैं अच्छा, तो फिर वहाँ पे। और ये जो बाहर का चौक है ना, ये भी बहुत गंदा हो रहा था, मुझे लगे बिल्ली वगैरह आई होगी या क्या हुआ होगा। वो शुक्र है कि मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी थी, क्योंकि मैंने एक बार एक बिल्ली को खिड़की से अंदर आते हुए देख लिया था, तो मैं खिड़की बंद करके गई थी जब मैं दोबारा गई थी। तो ये देखिए यहाँ पे जो गद्दे वगैरह है इनको मैं रखूँगी बाहर, और ये ज़्यादातर जो काम होते हैं ये सारे मैं खुद ही करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई और मेरी हेल्प के लिए होता है। और पीहू के डैडी का तो मैं आपको अभी बताऊँ, अगले इस करवा चौथ हो अष्टमी तक उनका टाइम नहीं लगने वाला बिल्कुल भी, 1% भी, क्योंकि त्योहारों के टाइम पे उनका काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे तो स्टिचिंग का ही रहता है, लेकिन अभी आप सभी जानते हैं कि उन्होंने ऑनलाइन भी अपना काम शुरू किया है, और उधर मकान वगैरह का भी काम है जो वो उनको आना जाना पड़ता है सारा, तो इस टाइम वो आपको बहुत कम वीडियोज में नज़र आएंगे। क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है, कई बार क्या आप ज़्यादातर ऐसा होगा
कि वो सुबह को बच्चों के उठने से पहले भी कई बार इस वहाँ चले जाते हैं बुटीक पे, और दोपहर को भी मुश्किल से ही आते हैं, कभी कभार आएंगे, नहीं तो वो खाना भी बुटीक पे ही मंगवाते हैं। और रात को भी उनको 11 11 12 12 बज जाएंगे अब आगे काम करने में, क्योंकि काम का जोर होता है। और हम हमारे लिए सीजन जो होते हैं ना, त्यौहार के जो सीजन होते हैं, यही इनकम का मेन सोर्सेज होते हैं। रोजमर्रा का तो रोज की कमाई से चल जाता है, लेकिन कहते हैं ना कि जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाता है वो त्योहारों में ही होता है। तो खैर देखिए, इस वाले रूम के गद्दे भी मैं लेके जाऊंगी ऊपर, और बस फिर इनको धूप में रखूंगी मैं। वीडियो तो आगे काफी लंबा है, लेकिन इसी में ही जोड़ूंगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगी। वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले। मिलती हूँ जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।